तो भाई लोग कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया मजे में होंगे। तो भाई लोग आज का ये वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ फ्री फायर की नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में, क्या उसका एट्रीब्यूट क्या है और कौन सा गन का स्किन है। तो गाइस ये सारा का डिटेल्स गाइस आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आपको नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में अगर जानना है तो गाइस ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ओके गाइस, तो गाइस चलिए फिर हम अपना वीडियो को जो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से यहाँ पर करना चाहता हूँ। गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो गाइस मेरे प्यारे भाई प्लीज दिल से एक लाइक कर देना और आने वाले वीडियो के लिए गाइस इस चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, तो गाइस चलिए फिर हम अपना वीडियो को जो फटाफट यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर इनक्यूबेटर जो आ चुका है, हम लोग का कुछ यहाँ पर टाइमर कुछ है ना गाइस, तो उसका इनक्यूबेटर आ चुका है। तो गाइस उसी का रिलेटेड ही हम लोग को जो नेक्स्ट वेपन रॉयल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मतलब कि हम लोग जो नेक्स्ट वेपन रॉयल में जो गन बोलने से हम लोग का यहाँ पर थॉमसन स्किन निकल के आ रहा है सामने। थॉमसन का स्किन आप लोग को नेक्स्ट वेपन रॉयल में देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस उसी के साथ साथ हम लोग का M8 2B भी निकल के आया है सामने। मतलब कि इस बार का जो हम लोग का वेपन रॉयल होगा वो कुछ अलग टाइप से होगा मेरा मानना है। ओके गाइस, क्योंकि गाइस वहां पर जो एक साथ दो गन का स्किन वहां पर दिया जाएगा बोल के बोला जा रहा है। मतलब कि वहां पर थॉमसन गन का भी स्किन होगा और उसी के साथ हम लोग का यहां पर M8 2B का भी स्किन होगा बोल के बोला जा रहा है। ओके गाइस, तो गाइस आप लोगों को क्या कहना है उसके बारे में गाइस आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस अभी हम लोग जानने वाले हैं थॉमसन गन के स्किन के एट्रीब्यूट के बारे में और उसी के साथ साथ गाइस हम लोग का M8 2B का जो स्किन है और उसका एट्रीब्यूट के बारे में भी हम लोग अभी जानने वाले हैं। ओके गाइस, तो गाइस थॉमसन का एट्रीब्यूट यहां पर काफी सिंपल सा आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, जो कि गाइस आप लोग यहां पर साफ तौर पर देख सकते हो। यहां पर डबल रेंज आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर रिलोडिंग स्पीड जो है वो हम लोग का सिंगल प्लस होते हुए आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ साथ गाइस आप लोग का जो यहाँ पर मैगजीन माइनस होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब कि प्लस होने से तो माइनस तो होने पड़ता ही है ना, तो गाइस ऐसे कुछ यहाँ पर प्लस हुआ है तो कुछ माइनस हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस मैगजीन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस हम लोग का थॉमसन गन में शायद से 40 MO होता है ना गाइस, तो मैगजीन माइनस हो रहा है तो गाइस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, लेकिन गाइस M8 2B के बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइस M8 2B में गाइस आप लोग को यहाँ पर बहुत धासु वाला एट्रीब्यूट मिल जाता है, जिसमें गाइस आप लोग को डैमेज रेट यहाँ पर प्लस होते हुए आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइस आप लोग को सिंगल प्लस डैमेज रेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस उसी के साथ रिलोडिंग स्पीड भी आप लोग यहाँ पर सिंगल प्लस मिल जाता है, जो कि गाइस काफ़ी कमाल का बात है, जो कि रिलोड करने में थोड़ा आसानी होगा जो जो M8 2B यूज़ करते हैं वो लोगों के लिए। और उसी के साथ गाइस यहाँ पर आप लोग को जो मूवमेंट स्पीड थोड़ा माइनस मिल जाता है। अच्छा बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसे कुछ धासु चीज़ माइनस नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर आप लोग का जो मूवमेंट स्पीड माइनस हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस आप लोग को ये दोनों गन का स्किन के बारे में अगर कुछ कहना है तो गाइस आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन गाइस ये जो दोनों गन का स्किन है ना गाइस ये बहुत ही धासु है, और गाइस ये जो गन स्किन है हम लोग जो टाइम ट्रेवल का जो यहाँ पर इंक्यूबेटर बंडल है गाइस उसी का ही गाइस ये स्किन वगैरह है। ओके गाइस, तो गाइस वेपन रॉयल का तब से बस इतने अब था। तो गाइस अभी आप लोग ये बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद है तो गाइस मेरे प्यारे भाई यार क्या कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया क्या करना है, इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना है और आने वाले वीडियो के लिए गाइस इस चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर से सेट कर देना। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में ताजा अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।